नमस्कार दोस्तों, एबीबी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि पाइनएप्पल फॉरेक्स ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से पाइनएप्पल फॉरेक्स ऐसे कनेक्ट करके ऐप आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ से इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि इधर आपको रिव्यू भी इसका देखने को मिलेगा 3.9 है और उसी तरह से इसकी डाउनलोडिंग है वो 100,000 प्लस हो चुकी है, क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐसे आपको देखने को मिलेगा और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी पाइनएप्पल VPN है वो कुछ इसी तरह से ऐसे इसका इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाएगा। तो उसी तरह से ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ इसी तरह से आएगा। तो इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो यहाँ से कनेक्टिंग हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कुछ इसी तरह से यहाँ से कुछ ही देर में यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों जो भी इसकी डाउनलोड और अपलोड की स्पीड रहेगी वो भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है। उसी तरह से यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अदरवाइज यहाँ पर आपको सर्वर देखने को मिल जाएगा। और उसी तरह से दोस्तों इस वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से रेटिंग शेयरिंग और प्राइवेसी पॉलिसी इसकी देखने को मिल जाएगी, जो कि इस ऐप की डिटेल है वो इधर आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी तरह से हम यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इसकी स्पीड चेक करनी है तो इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे जो भी डाउनलोड और अपलोड की स्पीड रहेगी वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारे जो भी डाउनलोड और अपलोड की स्पीड रहेगी वो यहाँ से आपको दोनों सर्वर में देखने को मिल जाएगी, जो कि इसकी स्पीड टेस्टिंग रहेगी वो कितनी है और क्या है इधर आपको पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो इसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड आपके सामने आ चुकी है, क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है और उसी तरह से ऐसे आपको दोनों स्पीड देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसे आप डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली ऐसे बैक आना है और इस वाला ऑप्शन पे आपको वापस क्लिक कर देना है। तो उसी तरह से क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो यहाँ से आसानी से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कुछ इसी तरह से आ चुका है और यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है यहाँ से डिसकनेक्ट कुछ ही देर में यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो यहाँ से डिसकनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।